हाय माय लवली मॉमीज, कैसे हैं आप सब। आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल एनिमल टेस्ट करने के लिए, पर आज का जो मॉर्निंग है वो बिल्कुल भी गुड नहीं है। हमने बुक किए थे ओला, बट हमारे जो ओला वाले भैया है ये बहुत ही ज़्यादा रूड थे। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने उनको समझाई भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप एसी चला दीजिए, जो कि बहुत आम बात है। ओला उबेर में एसी चलाना मैंडेटरी है अगर पैसेंजर्स बोले तो, बट ये भैया बिल्कुल भी राजी नहीं थे चलाने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि खिड़की बिल्कुल खुले हुए है, शीशा खुला हुआ है, और इनका ऐसा कहना है कि कल पूरी रात बारिश हुई, वेदर ठंडा है, तो एसी क्यों चलाएंगे, इससे मेरा तेल खर्चा ज़्यादा होगा। तो गर्मी में बैठे बैठे हमारे रेजिडेंशियल एरिया छोड़ के हम मेन रास्ते पे आ गए हैं, और रास्ते में जाते जाते दो एक्सीडेंट हुआ है जो हमारे गाड़ी वाले ड्राइवर ने ही किया। एक बार ट्रक के साथ टकराया और दूसरी बार साइकिल के साथ। तो मैं बस सोचने लग गई थी कि आज का दिन कैसे जाएगा, सब कुछ सही होगा कि नहीं, क्योंकि आज का मॉर्निंग इतना खतरनाक था। तो अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में, और हमको ऐसा था कि जल्दी से पैसा देकर हम उतर जाए और गाड़ी से निकल जाए, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। सो फाइनली इट्स टाइम टू गो इनसाइड द हॉस्पिटल और देखते हैं आज का टेस्ट कैसा होता है, ज़रूर हम लोग अपडेट करेंगे। मॉर्निंग मॉमिस, तो अभी टाइम मिली मुझे कैमरा के सामने आने का। मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी चल रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली थी कि मैं कैमरा ओपन करूं। और कल पूरी रात हमने सोया नहीं, क्योंकि जैसे ही रात को हमने सोए थे, एक तो आदत है हमको लेट सोने का, उसके बाद बारिश इतना ज़्यादा झाँक मार के आई। एक तो खिड़की वगैरह सारा खुला हुआ होता है क्योंकि हम एसी नहीं चलाते हैं, उसके बाद खिड़की वगैरह सारा खुला हुआ था, तो इतने बारिश आ रही थी और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं उठ के खिड़की बंद करूँ। ऐसा करते करते मॉर्निंग भी होगी, हमको उठना भी था, जल्दी से हॉस्पिटल भी आना था। सो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी जिसके कारण मैं व्लॉगिंग ऑन ही नहीं कर पाई। मॉर्निंग को हमने कुछ नहीं खाया, वैसे तो एनिमल्स के हमें बोलते हैं कि आप सब कुछ खा के आ सकते हो, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया मॉर्निंग से चाय और बिस्किट के अलावा। तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं हॉस्पिटल के अंदर ही बैठी हूँ, इधर ही मैं ब्रेड ऑमलेट कुछ खा लूँगी। तो इधर आके मैं अंदर गई नहीं, अभी मैं खाने के लिए बैठी हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर की हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही खा लेंगे। तो ये बैठा है मेरा पतिदेव, जिनको आप ब्लॉग पे यूजुअली देखते नहीं हो, और थोड़ा सा कैमरा शाई भी है। डॉक्टर ने कहा है कि एनिमल स्कैन होने में करीब आधा घंटा टाइम लगेगा, तो आज हम तीन बंदे हैं जिनके एनिमल स्कैन होगा, तो इधर से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलो देखते हैं, फटाफट से खा लेते हैं, स्कैन कैसा आता है, उसके बाद सारा आप लोगों को अपडेट करेंगे, और इसके बाद हम आज के दिन में क्या क्या करते हैं ना करते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मुझे कोई भी सूट फिट नहीं हो रहा था, यही पहनना पड़ा जो पिछले दिन मैं पहन के आई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि बस जो भी मैं पहन रही हूँ सब कुछ टाइट हो रहा है, उठ कर रही हूँ तो बैठा नहीं जा रहा है, बैठ रही हूँ तो उठा नहीं जा रहा है। सो फाइनली यही पहन के मैं आ गई। अब स्टार्ट हुई मेन लड़ाई वेट करने की। मेरे आगे जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज थे सब के सब टेस्ट हो चुके थे, सिर्फ अकेली मैं बाकी थी। तो बैठे बैठे मेरा पेट इतना ज़्यादा दुख रहा था, मैं कभी उठ रही थी, कभी चल रही थी, कभी बैठ रही थी, पर मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फाइनली दो घंटा वेट करने के बाद मेरा हो गया है एनोमली टेस्ट। अभी मैं निकल पड़ी हूँ जिस हॉस्पिटल में मैं दिखा रही हूँ, इधर इंस्टेंट रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, ना तो अगले दिन देते हैं, इधर से बोल देते हैं कि नेक्स्ट चेकअप जिस दिन है उसी दिन आपको रिपोर्ट के बारे में जानने को मिलेगी। तो मेरी चेकअप है फिर से 26th of September, तो उसी दिन मुझे रिपोर्ट्स आ जाएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यकीन मानिए, जो ओला अभी हम हॉस्पिटल के सामने से बुक किए हैं उनका ड्राइवर इतना ज़्यादा पोलाइट था,
बिल्कुल सुबह वाले ड्राइवर और ये वाले ड्राइवर में इतना ज्यादा फर्क था एटीट्यूड और बिहेवियर का। इन्होंने इतना ध्यान से गाड़ी चलाया और मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा देख के चलाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलाओ, बट थोड़ा जो गड्ढा है वो देख के चलाना, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जर्किंग होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। उन्होंने इतना अच्छे से केयर के साथ चला के लेके आए हैं हमको, मैं बहुत ही प्लीज्ड हुई थी। और जो जाते जाते आप लोगों को दिखाना था, जैसे कि इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, हाई कोर्ट, तो ये सब मिस हो गया। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में थक चुकी थी और एसी में बैठे ओला में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखो, अभी मैदान के सामने से जा रही हूँ, ये बिल्कुल जो हमारे विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता की, उसके ऑपोजिट वाला जो मार्ट है, इधर पिकनिक वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं। अगर आप 1 जनवरी या 25 दिसंबर को आएंगे तो देख सकते हैं इधर मार्ट पूरा भरा हुआ होता है और हर जगह पे पिकनिक होता है, बैठने का जगह तक नहीं मिलता है। बाय द वे, इधर हॉर्सेस दिखने को मिलता है, यानी कि घोड़ा। तो ये एरिया बेसिकली ऑफिस एरिया है, ये बहुत पॉश एरिया है, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ इधर बना के रखे हैं। एंड नाउ हम पहुंच गए हैं स्प्लैनेट पे। स्प्लैनेट का मार्केट इतना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते हो। हमको बहुत भूख लग गया था, मुझे बाहर का खाना खाना नहीं था, पर इंदर को खाना था फ्रूट सलाद, तो इसने अमरूद लिया। बेसिकली उसको बना के देते हैं चाट टाइप का, तो इसको पसंद है तो इसने लिया था, इसने खाया था, पर मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। बट मैंने हल्का फुल्का पानी पिया, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए थी वो है कोक पी लिया था मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा शदीद गर्मी था। अब देख सकते हैं हर तरफ बस अम्ब्रेला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो कोलकाता में घूमने और आपको अपने घर वालों के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना है, ज़रूर स्प्लैनेट पे आइएगा। नॉर्मल मार्केट छोड़ के हम आ गए हैं मॉल में। इधर मुझे बेसिकली शू लेना था, वैसे मैं स्प्लैनेट से भी जूते लेती रहती हूँ, बट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी मेरे पैर में बहुत स्वेलन सी आ रही है बिकॉज ऑफ हार्ड सोल ऑफ द जूता, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि बिल्कुल सॉफ्ट वाला जूता ले लो, जिससे तुम्हें पहनने में और चलने में कंफर्टेबल लगे। सो बेसिकली मुझे लेना था लोफर्स, जैसे मैं पहन के ट्राई कर रही थी, बट हर एक में बड़ा बड़ा हील्स थे जो मुझे बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं पहनना था। वैसे भी मुझे हील्स पसंद नहीं है, पर लोफर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो मेरे साइज का था नहीं। फाइनली मैंने ये वाइट वाला नॉस्टर लिया है। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट मुझे अभी के लिए, फिलहाल के लिए लेना नहीं था। मुझे ऐसा प्लान था कि बेबी हो जाने के बाद हम किसी ट्रिप में जब जाएंगे तब मैं न्यू लूँगी, बट बिकॉज हम बाटा में आ गए हैं, जो कि बहुत ही फेमस जूते का शॉप है ऑल ओवर इंडिया में, तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि लेना ही है। सो फाइनली मुझे ये वाला जूता काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं गाउन्स के साथ, जींस के साथ, फ्रॉक्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेयर अप कर सकती हूँ। वैसे तो कुर्ती के साथ इतनी अच्छी लग नहीं रही है, पर अभी ट्रेंडिंग में हर कोई हर टाइप के स्टाइल करते रहते हैं, बट मैं फ्यूचर के लिए इसको लेकर रखी हूँ, क्योंकि मुझे व्हाइट शू बहुत पसंद है और मेरे को एक ख्वाहिश थी वो है एक व्हाइट शू लेने की, जो मेरे पापा मुझे कभी लेने नहीं दिया। खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, साफ करना मुश्किल है इसीलिए, बट फाइनली आज मैंने परचेस कर लिया। और बाकी क्या क्या हमने लिया है इसका हॉल दिखाती हूँ। सो मम्मी, अभी मैं वापस आ गई हूँ घर पे, बहुत ही ज्यादा थकान के साथ घर पे वापस आई थी। आज इतना शदीद धूप था, मेरे अंदर बिल्कुल हाइड्रेशन नहीं था। आते वक्त दो कोक पीते पीते आई थी, मुझे पता है हेल्थ के लिए अभी प्रेगनेंसी में कोक पीना सही नहीं है, बट इतना ज्यादा परेशानी हो रही थी, इतना ज्यादा एग्जॉशन एंड फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी मैं, कि उसके अलावा मुझे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे आके लंच करके फाइनली मैं बैठी हूँ आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर।
करने। तो आज जो हॉल्स मैं शेयर करने वाली हूँ ये स्पेशली बहुत ही अफोर्डेबल हॉल है। ये मैंने स्प्लैनेट से लिया है, जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो स्प्लैनेट कोलकाता में एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुनिया भर के लोग आके रहते हैं और उधर से ही शॉपिंग करते हैं। अगर आप कोलकाता में आ रहे हो तो जरूर स्प्लैनेट से शॉपिंग करना, क्योंकि उधर हर चीज बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाता है, हर एक क्वालिटी का मिलेगा आपको, जो भी चाहिए लगभग वही सब मिल जाता है। तो चलिए विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल। ओके सो सबसे पहले मैंने एक कुर्ती लिया है। सो बेसिकली आज मेरे पास मीशो से भी एक कुर्ती आई थी मॉर्निंग को, जब मैं एनुअल स्कैन के लिए डॉक्टर के पास गई थी। बाकी मेरे इन लॉज भी उधर से भेज रहे हैं मेरे लिए कुर्तीज घर पे बनी बनाई, बट अभी फिलहाल के लिए मुझे एक कुर्ती चाहिए थी तो मैंने स्प्लैनेट से लिया है और उधर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ती। देखिए प्रेगनेंसी में ज्यादा टाइट कपड़ा पहनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो ये ढीला ढाला कपड़ा मैंने लिया है। वैसे ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा है बट मैंने ओवर साइज ही लिया है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेस्ट के साइज इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रास नहीं पहना जाता है ऑल टाइम, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा सोबर है, अगर मैं इधर दिखाऊं तो स्लीव्स भी बिल्कुल थ्री क्वार्टर है और इसका जो घेर है ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है और इधर ना धागा लगाए हुए है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कमर है ये बहुत ही मोटा है, क्योंकि इस टाइम पे हमको पता है कि हमारा बेली बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, तो ए लाइन स्ट्रेट कट कुर्तीज पहनने इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो मुझे जितना चाहिए उतना रख के मैं इधर धागा बांध सकती हूँ। सो दिस इज द टसल। टसल का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है और नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो इधर थोड़ा सा ए लाइन एंड अम्ब्रेला दोनों मिला के इसका घेर देखिए कितना बड़ा है। एंड दिस इज ओनली 350 रुपीज में मुझे मिला था स्प्लैनेट से और इसका क्वालिटी जस्ट लाजवाब है। और इसका कलर मुझे पता नहीं कैमरा में कितना अच्छा आ रहा है बट दिस इज बिल्कुल बेबी पिंक कलर में है। सेकेंड जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैं सेम शॉप से ही लिया था स्प्लैनेट में, वो है ये वाला नाइट ड्रेस। क्योंकि इस टाइम पे जो भी हम पहनते हैं लाइक लोअर एंड एवरीथिंग, तो वो हमारे लोअर एब्डोमेन को प्रेशराइज करता है और रात को सोते वक्त अनकंफर्टेबल से फील होता है। तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इस टाइम पे मैक्सी नाइटी पहनना, मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं रात को सोने के लिए ये वाला ड्रेस लिया है। जैसे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही क्यूट है, ऐसे टेडी बियर सा है और इधर लिखा है रिमेम्बर ड्रीम हैप्पी नाइट ना टीन, ऐसा कुछ लिखा है। चलो ये बेबी पिंक का है, स्ट्राइप्स में है और ऐसे ऐसे राउंड राउंड शेप में है, पीछे और सामने दोनों जगह पे सेम है, तो इधर से भी बंदा पहन सकते हैं, इधर से भी पहन सकता है, डजंट मैटर। तो ये मेनली मुझे पड़ा था ओनली 150 रुपीज और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, रात को पहनने के लिए सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये भी मैंने लिया था रात को पहनने के लिए और इसका स्लीव्स बिल्कुल छोटा छोटा है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा रात को सोते वक्त, कि जिनको स्लीवलेस पहनने की भी दिक्कत होता है कि बड़ा स्लीव्स पहना नहीं जाता, उनके लिए भी दिस वन इज़ अ गुड ऑप्शन। थर्ड मैं जो चीज़ ली थी वो मेरे हस्बैंड के लिए लिया है, वो है एक नॉर्मल सा सैंडो। तो मेरा हस्बैंड थोड़ा सा कलरफुल सैंडो पहनना पसंद करते हैं, तो मैंने ये वाला सैंडो लिया है। देखिए ये बिल्कुल कलरफुल है और इधर चेक्स भी है, तो पहनने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। ये बिल्कुल स्लीवलेस है तो जिम वगैरह करने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो मेरे हस्बैंड को इस टाइप का पसंद है तो मैंने ये लिया था। इसका भी प्राइस इतना ज़्यादा नहीं, आई थिंक दिस वन वॉज ओनली 150 के आसपास ही प्राइस था। स्प्लैनेट पे जाओ और बैग ना खरीदो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्प्लैनेट में जो बैग्स मिलते हैं उसमें बहुत वैरायटी मिलता है। हाँ अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और इम्पोर्टेड बैग्स ले रहे हो तो हाँ उसके जैसा क्वालिटी में भी सेम नहीं होगा, बट जो स्प्लैनेट में बैग्स मिलते हैं उसके क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल मार्केट से। और कोलकाता में जो गड़ियाहाट मार्केट है उधर भी आपको बैग्स मिल जाएगा, बट जो स्प्लैनेट के बैग्स मिलते हैं उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है और जो उधर कलरफुलनेस जो मिलता है बैग्स के अंदर दैट इज़ जस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बैग मैंने लिया था, इसका कलर बिल्कुल जो मेहंदी कलर होता है वो है, इधर देखिए ऐसे ऐसे स्टिच लगा हुआ है, एंड दिस वन इज लुकिंग सो सोबर। तो इसको जैसे ही आप खोलते हो अंदर इतने सारे जगह मिल जाता है, एक चेन है,
इधर भी एक छोटा सा चेन है, तो अंदर काफी सारी जगह है चीज रखने के लिए और रेगुलर यूज के लिए दिस बैग आई फील सो गुड। एंड इसका चेन भी दिखाओ, तो इधर ऐसे जैसे इम्पोर्टेड बैग्स में होता है वैसे चेन दिया है एंड इधर बेल्ट भी दिया है जिसको बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। सो ये बैग बेसिकली मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए लिया है एज अ राखी गिफ्ट। तो क्योंकि ये गिफ्ट है तो इसका प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ, तो ये हम सेंड करेंगे मेरे हस्बैंड के घर पे उसके बहन के लिए एज अ राखी गिफ्ट। तो मुझे ये बैग बहुत अच्छी लगी थी और उसको भी रेगुलर यूज के लिए बैग्स चाहिए होती है, तो ये हम उधर भेजेंगे। एंड दिस वन वॉज ऑल्सो सो गुड एंड रीजनेबल, तो ज़रूर अगर आप उस प्लानट में जा रहे हैं तो बैग्स ट्राई करना। नेक्स्ट जो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ वो है दो टी शर्ट्स। तो ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया है, बट मैं अपने हस्बैंड के टी शर्ट भी पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे ओवरसाइज टी शर्ट्स पसंद है। तो मैं आप लोगों को कलर शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी ये पॉपअप कलर्स। देख लीजिए ये वाला है एक, ये बिल्कुल जींस टाइप के कलर में है बट ये एक्चुअली जींस नहीं है, ये दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड दिस लुक्स वेरी रिच। पीछे बिल्कुल ब्लैक है बट सामने का डिज़ाइन देखो कितना सुंदर है। और इसका एक और कलर भी मैंने लिया है एंड दैट इज़ वाइट, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास वाइट कलर का टी शर्ट कम है घर पर पहनने के लिए या बाहर पहनने के लिए, तो मैंने वाइट चेक करके लिया है। मेरे हस्बैंड ने वाइट लेना नहीं था पर मैंने ज़बरदस्ती दिलवाया है। देखो दिस वन इज़ द वाइट वन एंड इसके जो क्वालिटी है ना गाइस, लेट मी टेल यू दिस इज सो गुड। और इसका प्रिंट सामने पीछे दोनों जगह पे है, तो मुझे इस ऐसे फंकी टाइप की टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो वी टुक दिस वन ऑल्सो। एक ग्रे कलर का भी टी शर्ट था बट उसका साइज नहीं था तो हमने नहीं लिया है, वरना वी वुड हैव टेकन इट टू। अब इसके बाद मैं आती हूँ कुछ पैंट्स में, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ पैंट्स लिया है। सो बेसिकली जब हम घर के बाहर जाते हैं, इधर उधर दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, नॉर्मल सामान लाने जाते हैं किचन के, तो हमको कुछ लोअर टाइप का चाहिए होता है क्योंकि मैं भी लोअर पहनना पसंद करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी लोअर पहनना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड के पास लोअर था जो हमने उधर से लिए थे इस प्लैनेट से पहले, बट वो काफ़ी पुराना हो चुका था तो इसीलिए तीन लोअर लिए हैं। सो ये है फर्स्ट लोअर, तो दिस इज द फर्स्ट वन। ये है कलर, ये थोड़ा सा इसको कैसा बोलूँ मैं, सी ग्रीन से थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर है। इधर देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे क्वालिटी का बटन लगे हुए हैं एंड द पैंट लुक्स लाइक दिस। सामने से ये थोड़ा सा ऐसे चेक्स में है, छोटे छोटे चेक्स में है और नीचे से ये बिल्कुल चूज है। सो जैसे चाइनीज जींस होता है, जेगिंस होता है, उस टाइप का ही है बट रेगुलर पहनने के लिए द क्वालिटी सो सॉफ्ट एंड गुड। तो इसके दो कलर्स और लिए हैं हमने, वो है ये वाला, सेम चीज़ है। इसके पीछे भी पॉकेट है और अगर सामने दिखाओ सामने भी पॉकेट है। सो बेसिकली ये जो पैंट्स है हम जितने बार उधर से लेते हैं घूम के हम उधर ही जाते हैं और इसका कॉस्ट था 350 rupees ओनली। सो समझ रहे हैं कि कितना अफोर्डेबल है इन प्लानेट एंड द क्वालिटी इज सुपर। आपको क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा बट जब आप सामान लोगे तो थोड़ा सा देख के लेना, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी दुकान हो गए हैं जो प्राइस बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आप बिल्कुल चीट हो जाओगे, तो आपको मार्केट के बारे में पता लगाना ज़रूरी है। सो दिस वन इज ग्रीन कलर, सो बेसिकली ये पिस्ता ग्रीन में है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ज़ारा लिखा है। सो बेसिकली ये ज़ारा के जो पैंट्स है जो सेम डिज़ाइन है उसी टाइप का है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये ज़ारा के शोरूम से आपने नहीं लिया, इस प्लैनेट के मार्केट से लिया है। सो दिस वन इज ऑल्सो द सेम, पीछे भी पॉकेट है एंड द क्वालिटी इज सुपर। सो नीचे भी ऐसे बिल्कुल चूज टाइप का ही है जो बहुत अच्छी लगी मुझे और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी वैरायटी मिल गई इधर उधर पहन के जाने के लिए, हम उधर जाते रहते हैं। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे दो टी शर्ट्स।
सो बेसिकली मेरे पास कलरफुल टी शर्ट्स बहुत कम है। टी शर्ट्स तो मैं पहनती हूँ हर वीडियो में, मैं टी शर्ट में कभी कभी आ जाती हूँ व्लॉग करने। टी शर्ट सबको चाहिए होता है घर पे पहनने के लिए, बट बिकॉज राइट एट दिस मोमेंट आई एम प्रेगनेंट, तो मुझे थोड़ा सा ढीला और ओवर साइज टी शर्ट्स चाहिए थी। सो इस टाइम मुझे कुछ कलरफुल लेना था, तो मैंने दो टी शर्ट्स लिए है। तो ये बिल्कुल ढीला ढीला टी शर्ट है, देखो ओवर साइज है, ये मेरे साइज का भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा बड़ा देख के लिया है। एंड दिस वन इज वेरी लॉन्ग एंड कलरफुल, पीछे भी सामने भी, एंड द सॉफ्टनेस इज लाइक दिस। ठीक है, तो एक ये कलर लिया और दूसरा कलर थोड़ा सा पिंक में है। सो एक हॉट कलर लिया, एक कूल कलर लिया, दोनों अलग अलग। सो दिस वन इज हॉट कलर, ये कलर भी मुझे बहुत कलरफुल लगा एंड अच्छा लगा। सो ये दो मैंने सिर्फ 200-400 में लिया था। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको रेगुलर सोते वक्त भी पहन सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है बाटा की एक जूता। सो ये मेरे हस्बैंड के पसंद से मैंने ली हूँ। तो काफ़ी दिन से मुझे एक नॉस्टर टाइप का बूट लेने का बहुत शौक था, क्योंकि जब भी हम कहीं पे जाते हैं मैं जीन्स पहनती हूँ, फ्रॉक्स पहनती हूँ, तो मेरा मन होता है वाइट शू पहनने का, पर मेरे पास था नहीं। सो आई गॉट दिस वाइट शूज फ्रॉम बाटा। तो इसका क्वालिटी लाइक बोलने का कुछ लायक नहीं है। दिस वन इज फ्रॉम नॉर्थ स्टार, और ये लाइक दिस वन इज लाइक हेवन क्वालिटी। सो मुझे ये 3000 का पड़ा था। सो ये है पैर दोनों का, और ये मेरे पैर में थोड़ा सा वैसे तो बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसका लुक थोड़ा इस टाइप का ही है, बट यही अभी ट्रेंड है, क्योंकि जब भी नॉर्मल गाउन्स के साथ जो थोड़ा एंकल फिट का हो, और केफ्रीज के साथ, जीन्स के साथ, फ्रॉक्स के साथ बहुत अच्छा लगता है जब इस टाइप का घेर वाला जूता हम पहनते हैं। सो अंदर से भी मैं दिखा दूँ, दिस वन इज सो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। ये भी आप देख सकते हो पूरा कपड़ा ऐसे मोल्ड हो रहा है, ऑल्दो दिस इज वाइट, गंदा हो जाने का चांस ज़्यादा है, बट मुझे अच्छा लगा। बाकी जब मैं हॉस्पिटल में ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पास जूती है, मैं जूती पहन के जाती हूँ, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रिप ये स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। सो दिस वन इज द टैग, एंड इधर बड़े अच्छे से लिखा हुआ है नॉर्थ स्टार, फ्रंट कैमरा में उल्टा दिख रहा है शायद। सो दिस वन कॉस्ट मी फॉर ₹3000, बट इसका जो क्वालिटी है इट्स वर्थ द मनी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है मीशो से आज जो मेरे कुर्ते आए हुए हैं। मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोली हूँ कि जो भी आएंगे मेरे प्रेगनेंसी में पहनने के कपड़े मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ दिन में पंजाब से भी आने वाले हैं कुछ कपड़े, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। सो ये मैं कट रही हूँ, ये मैं पहले काटी नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सिल्ट कंडीशन में है। तो इसको काट लेते हैं पहले और देखते हैं कि कैसा क्वालिटी आया। सो मैंने बेसिकली जो कुर्ती ऑर्डर किया वो थोड़ा बिग साइज में किया है, क्योंकि इस टाइम पे लाइट टाइट कपड़े पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द थिंग, ऐसा आया है कपड़ा, ये आपको मीशो में मिल जाएगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको ये लेना है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। बेसिकली हम वही सामान लेते हैं जिसका रिव्यू अच्छा है। सो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऑल्दो ये कैमरा में बिल्कुल ब्लड रेड लग रहा है, बट ये थोड़ा सा मरूनिश रेड कलर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो ब्लड रेड होता है वो मुझे इतना पसंद नहीं होता है। ये मैं खोल के देख रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही मैं कैमरे के सामने खोल रही हूँ, इससे पहले जब आया था तब मैं घर पर थी नहीं। सो दिस इज द कुर्ती, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर इस टाइप का काम किया हुआ है, और इसका जो चेस्ट का डिज़ाइन है ना वो बेसिकली ऐसे वी शेप में है। मेरे लिए लगता है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ओवर साइज मंगवाया है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मीशो में चेंज करने का पॉलिसी है। सो हैंडवर्क भी आप देख सकते हो, इसका प्राइस लिया था ओनली 457 लिंक 475 आई थिंक 475 लिया था। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका कलर बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है, बिकॉज जो कलर मेरे पास आया है और जो कलर अभी दिख रहा है वो बिल्कुल सेम नहीं है। सो इधर से ऐसे जो फ्रॉक टाइप का डिज़ाइन है वो बना के रखे हैं। सो ये इजीली प्रेगनेंसी में हम आराम से पहन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू आवर वीडियो। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।